राजकुमारी की हत्यारिन सौतेली माँ। सूर्यगढ़ के राजा प्रताप सिंह अपनी पत्नी पद्मा के साथ रहते थे। वे लोग बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव के थे। उनके होते हुए उनके राज्य की प्रजा उनसे बहुत ही खुश रहा करती थी। रानी पद्मा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। रानी पद्मा ईश्वर में बहुत ही आस्था रखती थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी सूनी गोद एक दिन जरूर भरेगी। रानी पद्मा की एक बहुत ही खास सहेली थी शकुंतला। वह हमेशा रानी के साथ ही रहा करती थी और उनके हर काम में उनकी सहायता किया करती थी। रानी पद्मा के खुद के तो बच्चे नहीं थे, लेकिन वह बच्चों के प्रति बहुत ही संवेदनशील थी। वह अपने राज्य के गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए अनाथालय भी खोली थी, जहां उनकी अच्छे से देखरेख हो सके। शकुंतला, ये बच्चे कितने मासूम और सुंदर है ना? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहे हैं? आखिर मेरी ये गोद सुनी क्यों है? दिल छोटा मत करिए महारानी, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। देखिएगा, ऊपर वाला एक न एक दिन आप पर अवश्य मेहरबान होगा। दरअसल शकुंतला बहुत ही दुष्ट महिला थी। वह महल में इसलिए रह रही थी ताकि एक दिन वह राजा से विवाह करके पूरे महल और राज्य पर अपना हुक्म चला सके। शकुंतला राजा प्रताप सिंह को मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन रानी के होते हुए वह कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए वह रोज रानी के दूध में दवाई मिलाकर उन्हें पीने को देती थी, जिससे रानी कभी भी माँ नहीं बन सके और अंत में राजा की उससे शादी हो जाए। ये लीजिए महारानी, दूध पी लीजिए। नहीं शकुंतला, तुम इसे ले जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है और ना ही कुछ पीना है। रानी, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या? नहीं नहीं शकुंतला, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज तो मैं अपने आप से हूँ, मैं बहुत अभागन हूँ। महाराज मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं उन्हें संतान का सुख तक नहीं दे सकती। रानी, दिल छोटा मत करिए, इसमें भला आपकी क्या गलती है? सब नसीब की बात होती है। बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। शकुंतला, तुम सिर्फ मेरी दासी नहीं बल्कि बहन से भी बढ़कर हो। तुम्हें कुछ बोलने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कहो क्या बात है? रानी, मैं वो कह रही थी कि अगर आप राजा की दूसरी शादी करवा देते तो। शकुंतला, खबरदार खबरदार, जो दोबारा ये बात अपनी जबान से निकाली भी तो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। मैं महाराज से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें किसी और के साथ हरगिज नहीं बांट सकती। माफ करिएगा महारानी, मैं तो बस आपके भले के लिए कह रही थी। अगले दिन रानी राजा के साथ अपने राज्य में घूम रही थी, तभी रानी देखती है कि एक महिला अपने छोटे से बच्चे को मार रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती जरा से बच्चे को मारते हुए? माफ करिएगा महारानी, ये हमारे घर का मामला है। इस लड़की ने मेरे घर में चोरी की है और अभी तो इसे मैं और मारूंगी। और एक बिगड़े हुए बच्चे को कैसे सीधा करते हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। आपको भला क्या पता होगा, आप तो बांध जो ठहरी। इतना बोलकर वह औरत उस बच्चे को फिर से मारने लगती है। चाची प्लीज प्लीज चाची, मुझे मत मारो, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो चाची। उस बच्चे को छोड़ दो, सिपाहियों इस महिला को गिरफ्तार कर लो और इस बच्चे को अनाथ आश्रम में भेजवा दो। राजा के कहने पर सिपाही उस महिला को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उस महिला की बातें रानी के दिल पर चाकू की तरह लगती है।
रानी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उधर से एक जादूगरनी जा रही होती है। वह रानी को रोता देखकर उसके पास जाकर बोलती है, आप तो इस राज्य की रानी पद्मा है ना? आप तो बहुत ही प्यारी हैं। फिर आप ऐसे रो क्यों रही हैं? कोई परेशानी है क्या? फिर राजा और रानी अपनी सारी परेशानी के बारे में उस जादूगरनी को बताते हैं। यह सुनकर वो जादूगरनी रानी को एक सेब देते हुए कहती है, ये सेब जादुई दुनिया का सेब है रानी, इसे आप खा लीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही आपकी गोद भर जाएगी। इतना बोलकर वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है और राजा और रानी उस सेब को लेकर महल में आ जाते हैं। महल में आने के बाद रानी उस सेब को खा लेती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी पद्मा गर्भवती हो जाती है। महल में ऐसा माहौल था जैसे मानो उजड़े चमन में बरसों के बाद फूल खिला हो। हर तरफ खुशियां ही खुशियां फैली थी। राजा प्रताप सिंह भी बहुत खुश थे। महारानी, मैंने कहा था ना एक दिन हमारे घर जरूर खुशियां आएंगी। राजा और रानी को एक साथ खुश देखकर हर कोई खुश था। अगर कोई दुखी था तो वो थी शकुंतला, लेकिन अब वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और रानी पद्मा एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। राजा ने खुशी से पूरे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाए। राजा और रानी की बेटी दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए दोनों ही उसका नाम खुशी रखते हैं। लेकिन शकुंतला से ये सब बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी वह रानी माँ नहीं बन सकती। मैं आज तक उस पद्मा की सेवा इसलिए करती आई हूँ ताकि एक दिन मैं इस महल में रानी बनकर पद्मा को उसकी असली औकात दिखा सकूं। नहीं, मैं इतनी आसानी से रानी को जीतने नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। यह सोचकर शकुंतला रानी के पास जाती है। अरे शकुंतला, आओ शकुंतला, ये देखो मेरी प्यारी राजकुमारी को, तुम भी इसे आशीर्वाद दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं रानी, आखिर यह भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। जग जग जियो प्यारी राजकुमारी। शकुंतला सबके सामने बस अच्छे बनने का ढोंग करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। रानी, चलिए ना बगीचे की सैर करके आते हैं, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। शकुंतला, मैं अभी राजकुमारी खुशी को तैयार करके लाती हूँ, फिर चलते हैं। अरे रानी, अभी थोड़ी देर में तो आ जाएंगे, चलिए ना। शकुंतला रानी का हाथ पकड़कर चलते चलते उसे एक नदी के किनारे ले जाती है। शकुंतला, ये सब क्या है, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? रानी, यही तो आपकी असली जगह है। अब से तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटी पर बस मेरा हक होगा। तुमने मुझे इस महल में हर एक चीज के लिए बहुत तड़पाया है रानी। अब मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशी छीन लूंगी, क्योंकि राजा प्रताप सिंह पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। शकुंतला, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। देखो, अगर राजा को पता चल गया फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे, राजा को तो तब पता चलेगा ना जब आप जिंदा बचोगी। इतना बोलकर शकुंतला रानी पद्मा को नदी में धक्का दे देती है और महल में वापस आ जाती है। इधर काफी देर हो जाने के बाद भी रानी महल में कहीं दिखाई नहीं देती है, तब राजा को रानी की फिक्र होने लगती है। शकुंतला, सुबह से रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने रानी को कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं राजा, मैं तो कब से राजकुमारी खुशी के साथ उनके कमरे में थी। राजा और सिपाही मिलकर रानी का पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रानी का कहीं कोई पता नहीं चलता है। जब यह बात राजकुमारी खुशी को पता चलती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी, माँ कहाँ चली गई? पिताजी, पिताजी, मुझे मेरी माँ लाकर दो। पिताजी, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती।
प्लीज पिताजी माँ को वापस ले आओ, मुझे माँ चाहिए। खुशी रोते रोते ही सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और रानी का कहीं कोई पता नहीं चलता है। इधर राजकुमारी का भी रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। महाराज, राजकुमारी खुशी को बहुत तेज बुखार है और वो दवाई भी नहीं खा रही है। वो कह रही है, जब तक माँ नहीं आएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। महाराज कुछ कीजिए, वरना राजकुमारी खुशी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब तुम ही बताओ शकुंतला, मैं क्या करूं? पता नहीं महारानी पद्मा हमसे बिना बताए कहां चली गई। मैं अब राजकुमारी खुशी को माँ लाकर कहां से दूं? महाराज, मैंने हमेशा से ही इस महल का नमक खाया है और राजकुमारी खुशी मुझे मेरी बेटी की तरह ही प्यारी है। मैं उसे यूं मरते हुए नहीं देख सकती। राजा, राजकुमारी खुशी की जिंदगी बचाने के लिए आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं बस ये एक बेटी की जान बचाने के लिए बोल रही हूँ। इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा मत सोचिए, हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अगर मैं खुशी के दिल में मासी ममता जगा पाई तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। शकुंतला, मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? और फिर राजा और शकुंतला की शादी हो जाती है। राजकुमारी खुशी, ये देखो आपकी माँ वापस आ गई। आज से यही आपकी माँ है और अब यही आपका ध्यान रखेगी। हाँ खुशी बेटा, मैं आपको आपकी माँ से भी बढ़कर प्यार करूँगी। चलो अब खाना खा लो, मैंने आपकी पसंद की खीर बनाई है। क्या सच में? जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शकुंतला और खुशी के बीच प्यार को देखकर राजा को बहुत ही खुशी मिलती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों तक तो शकुंतला खुशी से प्यार का दिखावा करती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वह राजकुमारी खुशी को समय से खाना भी नहीं देती और तो और वह अपना काम भी नन्ही सी खुशी से करवाया करती थी। एक दिन शकुंतला राजा से कहती है, राजकुमारी खुशी तो बहुत ही शरारती हो गई है, पूरे दिन घर के कीमती सामान को तोड़ते रहती है। इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ और कुछ बोलो तो मुझे नौकरानी बोलकर डांट देती है। शकुंतला की बात सुनकर राजा खुशी से कहते हैं, बेटा ये बहुत ही गलत बात है। आप अपनी माँ की सारी बातें माना करो, वो जो भी कह रही है आपकी भलाई के लिए ही कह रही है। राजा के वहाँ से जाने के बाद शकुंतला राजकुमारी को बहुत ही मारती है। बेचारी राजकुमारी खुशी चुपचाप से शकुंतला के अत्याचार को सह रही थी। कुछ देर बाद राजकुमारी बोलती है, पिताजी तो बोल रहे थे कि आप मेरी माँ हो, लेकिन आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी क्या, आप तो किसी की भी माँ नहीं हो सकती हो। मेरी माँ तो मुझे कभी नहीं मारती थी, वो तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती भी करती तो वो मुझे माफ कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ आ रही है, और मुझे रोज ही उनकी याद आती है। तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुझे तेरी माँ के पास ही पहुँचा देती हूँ, वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपनी माँ की तरह ही मरना पड़ेगा। ले चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तभी पीछे से एक आवाज आती है और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि रानी पद्मा की होती है। खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो तू मेरे जीते जी मेरी बच्ची का बाल भी बाका नहीं कर सकती। यह सुनकर राजकुमारी खुशी दौड़ते हुए अपनी सगी माँ के पास चली जाती है। माँ माँ, ये बहुत गंदी है माँ, इनने मुझसे बहुत सारे काम करवाए और मुझे बहुत मारा। माँ आप इसको छोड़ना नहीं, ये बहुत ही ज्यादा बुरी है। माँ मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई थी, बोलो ना माँ। बेटा अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ राजा प्रताप सिंह भी आ जाते हैं और फिर रानी पद्मा शकुंतला के बारे में राजा को सब कुछ बताती है। वो कहते हैं ना, जाको राके साइया, मार सके ना कोई, मुझे नदी में से एक बंजारन ने बचाया
और मैं आज यहाँ आप सबके बीच आ पाई हूँ। मैंने अपने घर में ही आस्तीन का सांप पाल रखा था। यह सब सुनने के बाद राजा शकुंतला को ताउम्र कैद की सजा सुनाते हैं और फिर सभी एक साथ प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।